पिछले 2-3 सालों से थोड़ा इस वक्त जो ज़ाफ़रान है थोड़ा ज़्यादा ही है, तो अच्छा सा क्रॉप निकला है। किसी किसी घर को यहाँ पे पिछले साल से बहुत ज़्यादा हुआ, डबल भी हुआ है, किसी को कम हो रहा है। ये सीजनली चेंज होता है। तो जो हमारा है कि हमें पिछले साल से बहुत अच्छा निकला है, तो यही वजह हो गई यहाँ किसी को कम निकला है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इसमें कमी पेशी की है खोदने वोदने में। कोई 2 बार खोदता है, कोई 3 बार, जिसने 3 बार खोदा है उसका सैफरान जो है वो अच्छा निकला है। तो हमारा भी अच्छा निकला है, शुक्र अल्लाह का कि हम प्रोडक्शन पिछले साल से बहुत अच्छी। प्रोडक्शन कम निकलती है तो मजबूर होता है, गवर्नमेंट भी मजबूर होते हैं, लोगों की डिमांड के हिसाब से उनको ईरान से भी या स्वीडन में निकलता है, वहाँ से भी लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है यहाँ। इसमें निकलना चाहे 5-6 टन निकलते थे, लेकिन अब ये प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, अब 2 टन ऑलमोस्ट कश्मीर दे रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत कम पड़ता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, ये दुनिया का वाहिद स्पाइस है जो हर किसी चीज़ में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और पहले जो पुराने लोग हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत भयंकर होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो पिछले 10-15 सालों से ना बारिश की कमी की वजह से इसमें जो बीज था वो कम हुआ है, क्योंकि ये ट्रिपलॉयड क्रॉप है, इसमें ये हम कुछ नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते, इसका बीज जो है ये पता नहीं एक मुअज्जा है, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ट्रिपलॉयड क्रॉप में हम ये क्लोनिंग वगैरह शगैरह ये नहीं कर सकते, इसीलिए कि जो मजदूर लोग हैं बहुत पैसा लेते हैं, जो 700-800 रुपया पर डे लेते हैं, तो उस हिसाब से इसमें उतना फिर आता भी नहीं है। जो इसका प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा कम हुआ है पिछले 5-6 सालों से, और ये जो ज़मीन है इसमें उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि होना चाहिए।